फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर इन 2023। अब ये जो गवर्नर बने हैं 2023 में, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गवर्नर का पद है, ये गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 35 ईयर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो देश का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए। तो क्या आंसर था इसका? ये आईबीपीएस क्लर्क 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए। तो उसका आंसर है 35 ईयर। वैसे जो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर। जैसे प्रेसिडेंट ये कंट्री का फर्स्ट सिटीजन होता है, वैसे ही गवर्नर जो है ये एक स्टेट का फर्स्ट सिटीजन होता है। स्टेट का फर्स्ट सिटीजन ये कौन होता है? गवर्नर। समझा के इतना? ओके, 35 ईयर एज होती है और 3.5 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। 3.5 लाख ये सैलरी होती है पर मंथ। क्लियर सबको इतना? ओके, और मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए स्टेट में। तो फिर गवर्नर का काम क्या? तो जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम गवर्नर करता है। ओके, जो बिल विधानसभा विधान परिषद में पास हो गया उसे आखिरी बार जो साइन करने के लिए जाता है वो गवर्नर के पास ही जाता है। तो देखते हैं अभी 2023 में कौन कौन गवर्नर बने नए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर चेंज हुए, कौन बने? अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हमें दिख रहे कौन है? अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। तो कैसे याद रखना? शॉर्टकट में अब्दुल याद करना, ऐसे आंध्र प्रदेश और ऐसे अब्दुल, आया के ध्यान में? ऐसे आंध्र प्रदेश और ऐसे अब्दुल, तो ऐसे शॉर्टकट में याद रखना। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन बने? अब्दुल बने। तो ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे अब्दुल, ऐसे याद रखना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिहार। हमें नेक्स्ट दिख रहा है बिहार। बिहार के जो गवर्नर हमें दिख रहे वो दिख रहे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। शॉर्टकट में याद रखना बिहार, तो बी आर ऐसे हम देखते हैं, जैसे बी आर हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? जैसे हम बी आर मतलब क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन। तो वैसे याद रखना बिहार के राजेंद्र, तो शॉर्टकट में राजेंद्र याद करना है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पूरा नाम है, शॉर्टकट में राजेंद्र याद रखना। जैसे मैंने आपको ऐसे आंध्र प्रदेश ऐसे अब्दुल बताया था, वैसे बी आर तो बिहार के राजेंद्र याद कर लेना। देन नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हमें दिख रहे बिस्वा भूषण हरिचंदन, तो शॉर्टकट में बिस्वा याद रखा तो भी चलेगा। छत्तीसगढ़ के शॉर्टकट में बीसी याद रखना। अब बीसी मतलब क्या? तो बिस्व फ्रॉम छत्तीसगढ़। जैसे हमने पहले डबल ए ऐसे आंध्र प्रदेश ऐसे अब्दुल, बिहार बी आर बोला था, बिहार से राजेंद्र, वैसे बीसी बिस्व फ्रॉम छत्तीसगढ़, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमें दिख रहे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, शॉर्टकट में उनका सरनेम याद रख लेना शुक्ला। तो आप एचएस याद रख सकते हो, जैसे एचएस मतलब हम हाई स्कूल बोलते हैं, एचएस मतलब क्या बोलते हैं? हाई स्कूल। तो अभी याद रखना हिमाचल प्रदेश से कौन? शुक्ला। हिमाचल प्रदेश से कौन है? शुक्ला। क्लियर है क्या? चार स्टेट हमने कंप्लीट कर लिए, आंध्र प्रदेश कंप्लीट हो गया हमारा, बिहार कंप्लीट हो गया, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, तो आपको चारों मैंने शॉर्टकट में ही बताया है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर ऑफ झारखंड। अभी झारखंड के गवर्नर कौन? तो राधा कृष्णन है। झारखंड के गवर्नर कौन? राधा कृष्णन। तो शॉर्टकट में जे आर जूनियर हम जैसे बोलते हैं, जे आर मतलब, तो झारखंड के राधा कृष्णन, ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन से भी आप नाम याद रख सकते हो। सर्वपल्ली राधा कृष्णन हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, काफी बड़ा नाम है। तो वैसे राधा कृष्णन याद रखना झारखंड में, तो जे आर जूनियर झारखंड के राधा कृष्णन, ऐसे याद रखना। एंड उसके बाद नेक्स्ट महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र स्टेट के भी भगत सिंह कोश्यारी थे। भगत सिंह कोश्यारी जो थे पहले, उन्होंने रिजाइन किया और उनकी जगह अभी नए गवर्नर कौन बने? रमेश बैस। याद रहेगा क्या सबको? रमेश बैस। भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ गलत विधान किया था, इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा और उनकी जगह अभी नए गवर्नर महाराष्ट्र के रमेश बैस है, जिन्होंने अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये रमेश बैस। ओके, तो महाराष्ट्र के कौन बने गवर्नर? रमेश बैस। शॉर्टकट में MR याद रखा तो भी चलेगा। MR मतलब हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, लेकिन अभी क्या रखना? महाराष्ट्र के रमेश। क्लियर है क्या? ये 6 स्टेट हमने अभी तक कंप्लीट किए, याद रहेंगे सबको। सबसे पहले मैंने आपको ऐसे आंध्र प्रदेश ऐसे अब्दुल बताया था। बिहार आपको याद आ रहा है क्या? बिहार के राजेंद्र। छत्तीसगढ़ के बिस्वा याद आ रहा है? बीसी बताया था आपको। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के शुक्ला बताया था, याद आ रहा है? झारखंड के राधाकृष्णन GR बताया, एंड MR महाराष्ट्र के रमेश ऐसे बताया। ये 6 स्टेट कंप्लीट हो चुके। अभी जो स्टेट आएंगे वो नॉर्थ ईस्ट के आने वाले है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट गवर्नर ऑफ आसाम। आसाम के गवर्नर जो है वो कौन है? गुलाब। शॉर्टकट में क्या याद रखना? आसाम के गवर्नर कौन है? गुलाब AG। ओके, AG अटॉर्नी जनरल बोलते हैं हम वैसे, तो अभी याद रखना आसाम के कौन? गुलाब है। क्लियर यहां तक? अभी नेक्स्ट देखते हैं आसाम के गुलाब का पूरा, गुलाब चंद कटारिया पूरा नाम है, पर शॉर्टकट में हमें गुलाब याद रखना है। नेक्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हमें दिख रहे लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। शॉर्टकट में कैवल्य याद करना है, शॉर्टकट में क्या याद करना? कैवल्य। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन? कैवल्य। AK अरुणाचल प्रदेश के कौन? कैवल्य। आसाम के हमने कौन दिखा था? AG बोला था आपको। आसाम के गुलाब और अरुणाचल प्रदेश के कैवल्य है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। शॉर्टकट में हमें कैवल्य याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट मणिपुर दिख रहा है। मणिपुर की गवर्नर भी चेंज हुई और काफी न्यूज भी है। ये मणिपुर राज्य जिसकी राजधानी है इम्फाल, इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। इसकी कैपिटल है जो है वो इम्फाल है, और एन बीरेन सिंह जो है इसके मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। और जो गवर्नर बनी ये अनुसुईया उइके है, जो गवर्नर बनी ये बोले छत्तीसगढ़ की थी, इसको मणिपुर भेजा गया, अनुसुईया उइके। शॉर्टकट में उइके याद रखा तो भी चलेगा, ओके, या फिर अनुसुईया याद रखा तो भी चलेगा। इसमें आप MA याद रख सकते हो, MA मतलब मणिपुर की अनुसुईया, ऐसे भी याद रख सकते हो। और काफी न्यूज में भी ये मणिपुर राज्य जो मैती जनजाति है उसके लिए, ओके, जो मैती जनजाति है और कुकी जो है और नागा, ये जो है ST है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनका वाद विवाद चल रहा है मैती से, ओके। इसका भी अलग वीडियो रहेगा, तो जो आप देख सकते हो कैसे मणिपुर हिंसा हो रही है, क्यों, क्या रीजन है, ये हम उस वीडियो में देखने वाले। तो फिलहाल ध्यान रखना कि जो जनजाति है मैती और कुकी और नागा, ये जो एक है और मैती अलग जनजाति है, दोनों के बीच वाद विवाद हो रहा है आज इस मणिपुर में। तो फिलहाल काफी न्यूज में ये स्टेट, इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैपिटल इम्फाल, CM एन बीरेन सिंह, और इसकी जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके है। शॉर्टकट में MA मणिपुर की अनुसुईया, ऐसे हमने याद किया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिख रहे गवर्नर ऑफ मेघालय। अब मेघालय के फागु चौहान, मेघालय के कौन है? फागु चौहान। शॉर्टकट में MP याद रख लो, MP मतलब मेघालय के फागु, MP मतलब कौन? मेघालय के फागु। पहले बिहार के थे ये, और अभी जो है ये जो फागु चौहान है अभी कहाँ पे आ गए? मेघालय में। मैंने आपको MA बताया था जो मणिपुर की थी अनुसुईया, और MP मतलब मेघालय के फागु चौहान। 4 कंप्लीट कर लिए हमने नॉर्थ ईस्ट के। पहले मैंने आपको आसाम के AG, आसाम के गुलाब बताया था, अरुणाचल प्रदेश के AK कैवल्य बताया था, एंड उसके बाद थर्ड फिर जब भी बताया आपको MA जो मणिपुर की अनुसुईया, एंड MP मतलब मेघालय के फागु आपको बताया है। एंड देन उसके बाद अभी नागालैंड देख लेते हैं। नागालैंड के हमें कौन दिख रहे? ला गणेशन। नागालैंड के कौन दिख रहे हमें? ला गणेशन। शॉर्टकट में गणेशन याद कर लेना। नागालैंड जो हमारे देश का राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जो उसकी राजधानी कोहिमा है नागालैंड की, ओके, और ये जो है नागालैंड ये ऐसा एकमात्र स्टेट है, ओनली स्टेट है हमारे देश का
जिसकी मदर टंग कैसी है, जिसकी मदर टंग क्या है, इंग्लिश। नागालैंड हमारे देश का ओनली स्टेट है जिसकी मदर टंग क्या है, इंग्लिश। और ये नागालैंड के जो गवर्नर है वो कौन बने, ला गणेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिक्किम। अब गवर्नर ऑफ सिक्किम कौन, अब सिक्किम जैसे इसकी राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। और इसके जो नए गवर्नर बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, शॉर्टकट में आचार्य याद रख लेना, सिक्किम के जो गवर्नर है शॉर्टकट में क्या रखना है, आचार्य, सिक्किम के आचार्य। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट जैसे हम बोलते हैं ऐसे मतलब, तो सिक्किम के कौन, आचार्य। जैसे मैंने आपको बी आर पढ़ाया था ब्लड रिलेशन रीजनिंग का, तो वैसे बिहार के राजेंद्र, वैसे सिटिंग अरेंजमेंट, तो जो सिक्किम के वो कौन है, आचार्य है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट हमें दिख रहे लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है। लद्दाख क्या है, एक यूटी है जो लास्ट में बना 31 अक्टूबर 2019 में ये एक यूटी बना, पहले एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही आता था, बाद में 31 अक्टूबर 2019 को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा पार्ट लद्दाख। तो ये लद्दाख के जो गवर्नर है वो चेंज हुए और इसकी राजधानी लेह है, और इसके जो गवर्नर अभी चेंज हुए कौन बने, बीडी मिश्रा। जो यूटी एकमात्र यूटी में चेंज हुआ है तो कौन बने है, बीडी मिश्रा, कहां के गवर्नर, लद्दाख के। क्लियर, हमने टोटल 13 न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर देखे 2023 के। ये 13 न्यूली अपॉइंटेड में 6 जो थे वो हमने स्टेट में देखे, 6 हमने ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखे एंड 1 हमने देखा यूटी में। क्लियर है सबको, ये 6 का भी मैंने शॉर्टकट में आपको याद किया, याद करवाया, जैसे ऐसे आंध्र प्रदेश ऐसे अब्दुल बताया था, बिहार बिहार के राजेंद्र बताया था आपको, उसके बीसी विश्वाप्रम छत्तीसगढ़ बताया था, हिमाचल प्रदेश के शुक्ला एचएस बताया था, जूनियर जेआर झारखंड के र, उसके बाद राधाकृष्ण बताया था एंड अपने महाराष्ट्र के एमआर महाराष्ट्र के रमेश बेस बताया। फिर नॉर्थ ईस्ट में आए और हमने फिर एजी याद किया, आसाम के हमने गुलाब देखे थे, अरुणाचल प्रदेश के कैवल्य देखे थे हमने, वो भी हमने याद किया था। फिर मैंने बताया था आपको शॉर्टकट में एमए और एमपी याद रखना, ऐसा बताया था ना आपको, राइट। जैसे मणिपुर की एमए मतलब मणिपुर की अनुसुईया, एमपी मतलब जैसे मेघालय की आपको फागु चौहान बताया था, ओके, नागालैंड के ला गणेशन बताया और सिक्किम के आचार्य ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट ये भी आपको बताया एंड लास्ट लद्दाख हमने कंप्लीट किया बीडी मिश्रा। ये 13 न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर हमने अभी देखे हैं जो 2023 में नए बने, ये आज हमने कंप्लीट किया। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको शॉर्टकट्स पसंद आएंगे, तो ऐसी वीडियो ऐसे अच्छे लगते तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।